पर्वतासन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडवेज फिटनेस। पर्वतासन जो बैठकर किया जाता है और बहुत आसान आसन है, इसे आप कहीं पर भी कर सकते हैं। और इसको देखते हैं सबसे पहले कैसे किया जाता है, फिर इसकी हम लाभ और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक मैट लेना है। आप इस आसन को चेयर पर भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं तो चेयर पर भी इस आसन को कर सकते हैं, और वज्रासन में भी इस आसन को कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से पद्मासन लगाते हुए, दोनों पैरों को इस तरह से रखते हुए, आपके जो हाथ हैं ऊपर ले जाने, धीरे धीरे इनहेल करते हुए, और फिंगर्स को ऐसे लॉक कर देना है। और फिंगर्स आपको अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर, छत की ओर प्लेस करना है, मतलब ऊपर की ओर दिखाना है। ध्यान रहे, ऊपर जाते हुए आपको श्वास लेना है और हाथ एकदम सीधे हो जाएंगे, एकदम स्ट्रेट। स्पाइन को भी आपको बिल्कुल सीधा करना है, एकदम स्ट्रेट, झुके भी स्पाइन ना हो, एकदम स्ट्रेट करना है। हिप से लेकर, बैक से लेकर, आपके नेक और आपका सर एकदम सीधा होना चाहिए। उसके बाद धीरे से गर्दन को हल्का सा बस आगे लाना है आपको। श्वास जितना होल्ड हो सके उतना होल्ड रखना है, और ऊपर की ओर अपने आप को खींचते जाना है धीरे से। श्वास छोड़ते हुए, अगर पहले ही श्वास छोड़ दिया आपने, धीरे से नीचे आना है। दोनों हाथों को धीरे धीरे करके नीचे और रिलैक्स हो जाना है। ध्यान रहे, जो आपकी बैक है उसको बहुत आगे इस तरह से स्ट्रेच नहीं करना है, न्यूट्रल रखना है। स्टमक अंदर और हिप थोड़ा आगे की तरफ, न्यूट्रल रखना है, बिल्कुल आगे स्ट्रेच नहीं करना है। और हाथ जब आपकी उंगलियां ऊपर हैं तो हथेलियों को पूरा पलट देना है। अब चलते हैं पर्वतासन के लाभ के ऊपर। तो यह आसन आपके शोल्डर में होने वाले पेन और स्टिफनेस को काफ़ी हद तक दूर करता है। इस आसन को करने से आपके पोस्चर इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब आपके झुके हुए कंधे काफ़ी सीधे हो जाते हैं। मुड़ी हुई आपकी स्पाइन है, अपर बैक या लोअर बैक, तो उसके पोस्चर को, मतलब स्पाइन को न्यूट्रल करता है, बिल्कुल सही पोस्चर में लाता है। यह आसन बहुत देर तक जो काम करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, नेक, आर्म्स और हैंड्स और शोल्डर में पेन हो जाता है, स्टिफ हो जाते हैं, तो उस टाइम पर भी ये आसन कर सकते हैं। आप चेयर पर भी बैठकर इस आसन को कर सकते हैं और अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। इस आसन से सर्वाइकल जो बढ़ता है, मतलब आप बैठे रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है, तो उसका खतरा भी कम हो जाता है। यह आसन दिमाग के थकान को भी दूर करता है और अवेयरनेस को बढ़ाता है। इस आसन करने से अवेयरनेस और फोकस काफ़ी बढ़ता है। एब्डोमिनल फैट भी कम होता है, लीवर आपके जो ये लीवर को काफ़ी फायदेमंद करता है, बॉडी में बहुत, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है ये, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ये आसन। और अब चलते हैं इसकी सावधानियों के लिए कि इसमें क्या क्या सावधानियां करके आप इस आसन को कर सकते हैं। आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो उसको सुखासन में या वज्रासन में करें। वैसे तो ये आसन बैठकर करना चाहिए, लेकिन अगर आप चेयर पर बैठे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको सर्वाइकल है तो गर्दन को ज़्यादा नीचे झुकाना नहीं है, गर्दन को सीधा रखना है आपको, और पीछे की तरफ ले जा सकते हैं लेकिन आगे नहीं झुकाना। आपको अगर बीपी है तो भी ये आसन नहीं करना है। और फ्रोजन शोल्डर है, स्टिफनेस है शोल्डर में, बहुत ज़्यादा आप उठा भी नहीं पा रहे हैं, तो भी इस आसन को ध्यान से करना है, कर सकते हैं, लेकिन पूरे ध्यान से करना है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, और किसी की देखरेख में करना है ताकि वो आपको बता सके कि किस तरीके से इस आसन को परफॉर्म किया जाए। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।